गंज बासोदा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। शासकीय गलियों से अवैध कब्जा हटाने, बाढ़ निवासियों ने सौंपा ज्ञापन। गंज बासोदा से हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 1 एवं वार्ड क्रमांक 2 नई बस्ती के नागरिकों ने SDM विजय राय के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार संदीप जायसवाल को सौंपा। बताया गया है कि हम सभी बाढ़ वासियों से रास्ता होने से आने जाने में परेशानी होती है, रास्ता में रोक कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन के लिए आबकारी विभाग दफ्तर और स्टेशन बाउंड्री के बीच पुरानी गली है। इसी प्रकार खारा कुआ से स्टेशन रोड जाने के लिए स्वर्गीय दामोदर दास गुप्ता के बाड़े और गणेश बिल्डिंग के बीच खारा कुआ तक सीधी गली है। इस गली पर प्रभावी लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। इसके कारण बस्ती के लोगों को आवागमन बाधित हो गया है, बहुत परेशानी होती है। वर्तमान में बस्ती के नागरिक स्टेशन के मार्ग का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में रेलवे के द्वारा अपनी भूमि संरक्षित करके बाउंड्री वाल का निर्माण किया है। इस बस्ती के लोगों का रास्ता बंद हो गया है। स्टेशन रोड आने जाने के लिए वर्तमान में यही दोनों मार्ग बचे हुए हैं, लेकिन दोनों पर अतिक्रमण होने के कारण बंद है। जिस मार्ग पर अतिक्रमण किया गया है, पुराने राजस्व रिकॉर्ड 1960 के खसरा में अक्स में दर्ज है। पूर्व में भी 3 बार SDM एवं CMO गंज बासोदा को ज्ञापन दे चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण भारी असुविधा का सामना बस्ती के नागरिकों को करना पड़ रहा है। जन सुविधा नागरिकों के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाकर रास्ता उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है बस्ती वालों ने। लगभग 4,000 लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बाउंड्री के बगल से रोड तक आने के लिए रास्ता है, लेकिन वो अतिक्रमणकारियों ने घेर रखी है। अपने जो उनके रास्ते हैं उससे अतिक्रमण हटाने की पूर्ण अधिकारिता है, उनका ज्ञापन है। मैं भी अभी पत्र के माध्यम से कलेक्टर महोदय को और SDM महोदय को और CMO को लिख रहा हूँ, जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय।